हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो अपने टोटोमर्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहाँ पे होता है, वहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो मूवमेंट ऑफ एटम, वहाँ पे एटम्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट ऑफ एटम। एग्जाम्पल हम यहाँ से लेना चाहें तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये हमने लिया R(COO)NH2। तो यहाँ से हम कर, ये अगर बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा तो इस पे आएगा नेगेटिव साइन, देन इस पे आएगा पॉजिटिव। जैसे ही इस पे पॉजिटिव आया, पीछे से अपने लोन पेयर्स दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, RCO नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2+। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले ली थी वही ली है, वही ली है। एटम्स की पोजिशन वाई है, पोजीशन किसकी डिफरेंस हुई है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि पहले यहाँ थे अब यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम एग्जांपल देखते हैं किसका, टोटोमर्स का, तो टोटोमर्स में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एटम, मूवमेंट ऑफ एटम्स। कैसे, इसके लिए अपना ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कैसे, जैसे CH3 CH3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बॉन्ड जैसे ही ऐसे डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। तो ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ से H+ को निकाल लेगा। अब इसने यहाँ पे H+ को निकाला तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन और उस H+ को ये ले लेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखो वैसे हम इसका मैकेनिज्म दिखाते नहीं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं बताती हूँ कैसे। देखो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ, इसका डिसोसिएशन होगा CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव और प्लस में, और यहाँ पर आ जाएगा CH और CH3। अब ये O नेगेटिव यहाँ से H+ को ले लेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 यहाँ पे तो OH हो चुका, अब यहाँ से H+ गया है, H+ गया तो यहाँ पे आया नेगेटिव साइन और ये CH3 और ये पॉजिटिव पहले का पहले था, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे अब यहाँ पे देखो, इस वाली स्ट्रक्चर से जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ क्या हुआ है, H का मूवमेंट हुआ है, मतलब मूवमेंट ऑफ एटम हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ऑफ एटम। तो जब भी मूवमेंट ऑफ एटम्स होगा तो उसको हम बोलते हैं टोटोमर्स, और जब भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो क्या है, सबसे पहले क्या डिफरेंस होगा इसमें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे कोई भी एटम की मूवमेंट नहीं होगी। एग्जांपल के लिए हमने ये देखा RCO NH2, तो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हुआ तो N ने पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक, बाकी एटम्स R यहाँ है, यहाँ है, C यहाँ है, O यहाँ, NH2 एज इट इज है। लेकिन इन केस ऑफ टोटोमर्स देयर इज मूवमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पे मूवमेंट होगी किसकी, एटम्स की। कैसे, ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में जैसे ही ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, इस पे आया नेगेटिव साइन और इस पे आया पॉजिटिव साइन। अब ये ओ क्या करेगा, यहां से H+ को ले लेगा, जैसे ही H+ को लिया, यहां से जैसे ही H+ गया तो यहां पे बचा क्या, नेगेटिव साइन, यहां पे पॉजिटिव था और यहां पे बचा नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ऑक्सीजन यहां था, लेकिन यहां पे H भी आ चुका है इसके साथ, तो मूवमेंट किसकी हुई है, एटम की हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमर्स। अब टोटोमर्स हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, कीटो एंड इनोल, जिसमें कीटोनिक फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं कीटो, और जिसमें OH मतलब अल्कोहल की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं इनोल। तो ये था अपना क्या, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड टोटोमर्स। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।